डेप्रिसिएशन के अंदर हम लोगों ने मीनिंग पढ़ ली है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है वो कैसे, कौन से मेथड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो सिलेबस में। तो मेथड जो डेप्रिसिएशन के थे बेटा, उस मेथड में दो मेथड था जिसको हम ना सबसे पहले हम एक मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, उस पर 5-10 क्वेश्चन बनेगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन आप मेरे साथ साथ लिखिएगा अभी। मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन में सबसे पहला मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड बच्चे, ये इसी स्ट्रेट लाइन मेथड का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको? इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। और था बच्चे और था फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, या इक्वल की जगह मैं यहां पे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट या फिक्स्ड रेट भी कहते हैं इसे। इस मेथड के हिसाब से हमें अकाउंटिंग सीखनी है पहले। तो बेटा ये कहता है कि जब आपको किसी भी एसेट्स का एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है किसी भी एसेट्स का क्या निकालना है बच्चे? एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है तो उसके लिए, वैसे तो डेप्रिसिएशन निकालने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कि साल में, एक साल में कितना हमारा नुकसान हो रहा है किसी एसेट्स को यूज़ करने के लिए, तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिसमें से सबसे पहले होता है बेटा कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कि जो आप एसेट्स ख़रीद के लाए हैं वो एसेट्स है कितने का। अच्छा मान लीजिए कोई एसेट्स हमारे पास है और वो एसेट्स मैंने 1,00,000 रुपये का ख़रीदा था बेटा, और मैं 5 साल के बाद अगर उसको देखूं तो वो यूज़लेस हो जाएगा, बिल्कुल बेकार हो जाना है, लेकिन वो 1,00,000 का एसेट्स फिर भी 10,000 में कबाड़े में बिक जाएगा आपका। जैसे बाइक को अगर देखें, मान लेते एक एग्जांपल के तौर पे 1,00,000 की बाइक है, 15 साल चलेगा, लेकिन अगर उसे कबाड़े में भी 15 साल के बाद बेचेंगे तो बिकेगा कि नहीं बिकेगा? वज़न में तो जाएगा, तौल में तो कुछ तो जाएगा। तो मान लीजिए कि वो 1,00,000 की चीज़ थी, 10,000 के कबाड़े में जा रही है, तो कितने का 5 साल में या 15 साल में कितने एसेट्स, या जो एसेट्स आपने ख़रीदा है उसकी टोटल वैल्यू जो है, क्या आप 1,00,000 के एक्सपेंस मानेंगे 15 सालों में, या 90,000 का एक्सपेंस हुआ आपके लिए? 1,00,000 का क्यों नहीं हुआ? 10,000 हमें तो क्या मिल गया, वापस मिल गया। तो बेटा ये जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है, पूरे एसेट्स की कीमत, हम इसे एक्सपेंस का हिस्सा नहीं लेते। ये पूरी लाइफ में जो अब एसेट्स को यूज़ करेंगे, पूरा एक्सपेंस नहीं है। अगर कभी कुछ स्क्रैप वैल्यू मिल जाए तो उसे अपन हटा लेंगे, पहले क्या करेंगे, स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देंगे, और जो बचेगा उसे डिवाइड करेंगे एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। अभी ध्यान से समझना है इसके एग्जांपल को। ये एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला सभी को, हम सब को आता है पहले से ही। जी देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ, और सभी लोग कनेक्ट करना है इधर, पहले बेटा इधर बाद में नोट कर लेना, नोट करने का टाइम मैं अलग से दूंगा। छोटा वैल्यू लेते हैं भाई, मान लीजिए कि मैंने 10,000 का एक मोबाइल ख़रीदा जिसकी कीमत 10,000 है। दुकानदार से पूछा भाई साहब कितना चलेगा, उसने बोला सर ये तो 5 साल चल जाएगा, मैंने 10,000 का मोबाइल, 5 साल चलेगा, 5 साल के बाद क्या इससे कुछ बेच के कुछ पैसे आ सकते हैं? उसने बोला जी 1 रुपये भी नहीं आएंगे।
तो बताइए मेरा टोटल 10,000 का नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो रहा है? 10,000 का या उससे कम का हो रहा है? लेकिन ये 10,000 का नुकसान 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, कितने साल का है? तो अगर मुझे हर साल का नुकसान निकालना हो तो मैं 5 से डिवाइड कर दूं, तो इसे 5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, हर साल का नुकसान कितना आया बेटा? कितना आया? बात समझ में आई? अब ऐसे ही मान लीजिए, दोबारा दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ कि 10 का हमने कोई मोबाइल ख़रीद लिया। दुकानदार ने कहा भाई ये आप ले जाइए, बहुत बढ़िया मोबाइल है, 5 साल चलेगा और उसके बाद भी ये 2,000 का तो बिक जाएगा। अभी मेरा टोटल नुकसान अगले 5 सालों में कितने का है? बोलिए सर। मुझे अगर हर एक साल का निकालना हो तब, तो बेटा ये 8,000 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू कितना होगा? कितना होगा? समझ में आ रही बात? तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में लिख दिया आपके सामने। एनुअल का मतलब है पर एनम 1 साल का डेप्रिसिएशन निकालना। और डेप्रिसिएशन कहते हैं जब किसी एसेट्स को ख़रीदा जाता है उसकी लाइफ जितनी है, जैसे इसकी लाइफ है मान लेते 10 ईयर्स किसी एसेट्स की, यहाँ ख़रीदा यहाँ ख़त्म, 10 ईयर्स है। अब ये 10 साल में किसी एसेट्स को थोड़ा थोड़ा एक्सपेंस में लिखना है। एक बार में सारा सारा वैल्यू हम किसी भी ईयर में एक्सपेंस में नहीं डालते। हम कैसे लिखेंगे इसको? थोड़ा थोड़ा करके लिखेंगे। तो जो हर साल डिवाइड करके निकाल रहे होंगे बेटा, हर साल की जो वैल्यू निकल के आ रही होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हम मान के चलते हैं कि हर साल का नुकसान सेम होने वाला, ये मेथड कहता है ऐसा। तो आपने क्या करना है, जो एसेट्स है कॉस्ट ऑफ एसेट्स उसमें से क्या माइनस करेंगे आप? अगर स्क्रैप वैल्यू है, ज़रूरी नहीं कि हर एसेट्स का स्क्रैप वैल्यू भी हो, लेकिन अगर स्क्रैप वैल्यू है तो आप उसे माइनस करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे किससे? एस्टिमेटेड लाइफ। सर स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ ये दोनों चीज़ें आप ना एग्जैक्ट नहीं कैलकुलेट कर सकते कभी भी, तजुर्बे से होता है। भाई अगर आज मोबाइल ख़रीदा आपने तो आपको बिल्कुल क्लियर है क्या ये कबाड़े में कितने का बिकेगा? क्लियर तो नहीं है ना। आप एस्टिमेशन ले रहे हैं, जो इसके पास एक्सपीरियंस है, दुकानदार के पास एक्सपीरियंस है, उससे आप पूछेंगे कि ये स्क्रैप में कितने का जाएगा। अच्छा मोबाइल कितने साल चलेगा क्या उसमें डाउट नहीं है क्या? पॉसिबल है कि वो 5 की जगह 7 साल चल जाए, ऐसा भी पॉसिबल है 5 की जगह वो 4 साल में ही ख़राब हो जाए। तो ये दोनों वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू हो या एस्टिमेटेड या लाइफ है जो उसका, ये दोनों एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, परफेक्ट वैल्यू नहीं होती। लेकिन अच्छी बात ये, हमें हमें जो क्वेश्चन होगा ना उसके सामने ये तीनों चीज़ें गिवन होंगी पहले से। आपसे बस ये पूछा जाएगा कि हर साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा, जिसमें कॉस्ट ऑफ एसेट्स, स्क्रैप वैल्यू और एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स का यूज़ करके आप निकालेंगे। समझ में आई बात? तो बेटा स्क्रैप वैल्यू क्या कोई एग्जैक्ट वैल्यू होती है हर एसेट्स के लिए या एस्टिमेटेड होता है? और बताइए ये लाइफ ऑफ एसेट्स भी क्या होता है? एस्टिमेटेड होता है। अब आते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट्स की बारी, ध्यान से समझेंगे बेटा कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या होता है। आपके हिसाब से कॉस्ट ऑफ एसेट्स क्या चीज़ है? जो एसेट्स को हम खरीदते हैं उस पे जो भी हमने पेमेंट किया है वही उसी को कहते हैं ना। देखिए कॉस्ट ऑफ एसेट्स की कहानी यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। मान लीजिए आपने 1 अप्रैल 2020 में एक मशीन खरीदी, 1 अप्रैल 2020 में, और वो मशीन आपने चाइना से खरीद के लाई। तो आपने 1 अप्रैल 2020 में आपने चाइना में कोई मशीन खरीदी, अब वो इंडिया आएगा तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। अब वो आ गया भाई, कस्टम क्लियरेंस वगैरह हुआ, भाई मुंद्रा पोर्ट या किसी पोर्ट पे आया था वो, वहाँ से लेके आप दिल्ली में लेकर आए, दिल्ली लाए तो उसे लाने में ट्रांसपोर्टेशन के कुछ एक्सपेंस हुए, फिर लेकर आए आप अपने पास, ये बात हो गई अप्रैल में, ये आते आते हो गया सर जून, कब आया आपके हाथ में? जून। फिर ये आपके वहाँ पे ऑफिस में या जहाँ पे आपको इंस्टॉल करना था बेटा, ये जुलाई में आपके पास जाके पहुँच गया प्रॉपर तरीके से। अब वो मशीन जो है काफ़ी बड़ी है, आप ये मान लीजिए कि इतनी बड़ी मशीन है कि उसमें, जैसे कई बार आपने देखा होगा किसी चैनल वगैरह पे कि जो मशीनें होती हैं कई सारे प्रोसेस करके चीज़ों को, प्रोडक्ट को बनाती, तो वो काफ़ी बड़ी मशीन है, उसके लिए आपको इंजीनियर बुलाना पड़ा। इंजीनियर आया और उसको इंस्टॉल करा उसने, उसमें भी 2-4-5 दिन गए,
उसने इंजीनियर आने के बाद उसने बोला कि भाई साहब इसे ना मशीन को लगाने से पहले ना आपको नीचे भी कुछ लगाना पड़ेगा, लकड़ी के कुछ बेस बनाया गया, बहुत सारे ऐसे काम किए गए। इतना सब होने के बाद ये अगस्त में जाके आपने 1 तारीख को मशीन को यूज़ करना स्टार्ट किया। बिल जो आपने पे किया था बेटा वो 10 लाख का था, आने में खर्चे टैक्स वैक्स लेके 1 लाख रुपए लग गए, वहाँ से आपके शहर तक आने में 10 हज़ार और लग गए, इंजीनियर जो है 10 हज़ार और ले गया, बताओ कॉस्ट कितना है उसका? बेटा ये 10 लाख कॉस्ट नहीं है, उसकी कॉस्ट यूज करने से पहले पहले जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं यूज करने से पहले, ध्यान से समझेंगे, किसी भी एसेट्स को यूज की कंडीशन में डालने से पहले किसी भी टाइप का कोई एक्सपेंस हो रहा है वो एक्सपेंस को हम लोग क्या मानेंगे सर? कॉस्ट मानेंगे। समझ में आई बात? तो ये आपका जो खरीदा गया कॉस्ट वो भी था, उसमें इंपोर्ट के भी खर्चे थे, उसके अंदर आपका ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस था, उसके अंदर इंस्टॉलेशन के एक्सपेंसेस थे, सारे एक्सपेंसेस को हमने जोड़ दिए। बस समझ रहे हैं जी? अगर हम यूज करने के बाद मशीन रिपेयर करवाते हैं तो वो भी कॉस्ट में ऐड होगा। नहीं, तो यहां तक के जितने खर्चे ये क्या है? कॉस्ट। ठीक है, अब इसके हिसाब से आप डेप्रिसिएशन निकालना स्टार्ट करोगे, जब आपको कॉस्ट डिफाइन हो जाएगा कि मेरा कॉस्ट कितना पड़ा है, उसके हिसाब से इन सब में आप ना मशीन के नाम से ही सारी चीजें लिखोगे। आप ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को भी किस नाम से लिखोगे? मशीन के नाम से। समझ में आई बात? तो कॉस्ट आपको क्लियर कई बार दिया हुआ रहेगा, कई बार नहीं रहेगा, तो उसके साथ ये एक्सपेंसेस गिवेन होंगे, आप सबको ऐड करेंगे तो कॉस्ट आएगा। स्क्रैप वैल्यू बिल्कुल क्लियर है, स्क्रैप या रेसिड्यूअल वैल्यू कई बार लिखा रहता है, और एस्टिमेटेड लाइफ आपको दिया हुआ होगा। तो ये फॉर्मूला किस मेथड के लिए है बेटा? स्ट्रेट लाइन मेथड में। समझ में आ गई बात यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? जी सर, स्कूल में दूसरा फॉर्मूला बता दिया स्ट्रेट लाइन का? अभी बात करेंगे, वो स्कूल में सही बताया था, तुम समझ कुछ और गए होगे उससे। चलेंगे आगे बढ़े, हमने क्या निकाला बेटा? एनुअल डेप्रे, बेटा इधर बातें नहीं, क्या निकाला हमने? एनुअल डेप्रिसिएशन। कितने साल का डेप्रिसिएशन? 1 साल का। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको कैलकुलेट करना है, आप पहले ऐसा करो, इतना नोट कर लो। देखिए बेटा, मैंने ये आपके सामने लिखा है कॉस्ट ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स मतलब कॉस्ट ऑफ परचेज, जो आप एसेट्स खरीद के लाए हैं वो, प्लस कोई ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस हुआ, कोई उसे इंस्टॉल करने का एक्सपेंस है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने पुराना खरीदा हो तो उसे रिपेयर वगैरह करा हो तो वो रिपेयर के भी एक्सपेंसेस, या आप ऐसा कह सकते हैं इसको कि कोई भी एसेट जिसको हमने खरीदने में जो पैसे खर्च किए, या किसी भी टाइप का एक्सपेंस जो यूज़ करने से पहले अगर हो रहा है, कोई भी एक्सपेंस यूज़ करने से पहले अगर हो रहा है तो वो उसके कॉस्ट ऑफ एसेट्स में इंक्लूड होगा। बात समझ में आई? चलो इसे नोट कर लो फटाफट। देखिए बेटा, अभी हमने एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला है, वो अमाउंट की शक्ल में था कि कितना अमाउंट हमारा डेप्रिशिएट होगा। जैसे आपने अभी एग्जांपल बताया था कि 2,000 होगा, लेकिन अगर मुझे परसेंटेज में निकालना हो रेट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन कि हर साल कितना डेप्रिशिएट होगा, परसेंटेज बताइए उसका, रेट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। अब रेट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन में आप क्या करेंगे, जितना आपने एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला है उसको आप डिवाइड कर देंगे कॉस्ट ऑफ एसेट से और मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 100%। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपने अभी लिया था बेटा कि एक मोबाइल है वो 10,000 का है और उसमें 2,000 का स्क्रैप वैल्यू है और उसकी जो लाइफ है बेटा वो हम मान के चल रहे हैं कि 5 साल है। 10,000 का मोबाइल, स्क्रैप वैल्यू कितना? तो बेटा ये बच्चा कितने का और लाइफ कितना कितना आया सर? ये 1600 पर ईयर का नुकसान है, ये पर ईयर का डेप्रिसिएशन 1600। डेप्रिसिएशन है ये,
क्लियर है ये। अब अगर इसमें हमें ना रेट निकालना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो बेटा क्या करेंगे आप, तो जितना ये है एनुअल डेप्रिसिएशन, ये 1600 रुपये टोटल कितने वैल्यू के एसेट्स पे हुआ है, तो 10,000 नीचे आप रखेंगे और इनटू क्या करेंगे इसका 100। बेटा कॉस्ट ऑफ एसेट्स बोला ना मैंने, तो इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ध्यान से सुनो, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप इसका निकालेंगे कितना परसेंट आएगा, ध्यान से समझना, अभी कितना आ गया ये 16% आ गया। अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जाता कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो 16% है और कॉस्ट ऑफ एसेट्स जो है वो आपका है 10,000 और आपको बताना है एनुअल डेप्रिसिएशन, क्या बताना है सर, तो सर आप इस 10,000 का क्या करेंगे 16% निकालेंगे, कितना आएगा सर ये 1600। इंतखाब थोड़ा ज़्यादा बोल रहा है, थोड़ा कंट्रोल कर, इतना जल्दी किसी चीज़ को एनालाइज नहीं करते, पहले सीख फिर एनालाइज करना। अभी देखो हमने ना डायरेक्ट निकाला था जब परसेंटेज नहीं था, यहाँ पे कॉस्ट था, यहाँ स्क्रैप वैल्यू था और यहाँ पे लाइफ था, तो इससे हमारा डेप्रिसिएशन कितना आया था 1600 और यहाँ पे भी एनुअल डेप्रिसिएशन कितना निकला 1600। लेकिन इसमें क्या कहीं पे आपके पास स्क्रैप वैल्यू है ऑप्शन में, क्या कहीं लाइफ है, नहीं है। तो बेटा इसके दो तरीके हो गए निकालने के डेप्रिसिएशन के, पहला ये कि जब आपको परसेंटेज दिया जाए, अब परसेंटेज कैसे निकालना ये भी हमने सीखा कि परसेंटेज किसी एनुअल डेप्रिसिएशन का कैसे निकाला जाता है, तो हमने क्या करा बेटा यहाँ पे कॉस्ट को परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया। अब ये देखो दोनों वैल्यू सेम आ रही है ना सेम। अगर हमने यहाँ पे जैसे वो कह रहा था इंतखाब कि यहाँ पे ना 8,000 ले लो, 8,000 ले लेते परसेंटेज कुछ और आ जाता और फिर वो एनुअल डेप्रिसिएशन निकलता ही नहीं, सेम होता ही नहीं। इस मेथड से एनुअल डेप्रिसिएशन कुछ और, इस मेथड से एनुअल डेप्रिसिएशन और कुछ और हो जाता। बेटा कहने का मतलब ये है कि आपको कोई नुकसान हो रहा है हर साल का, अब वो जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान आपका इस तरीके से निकालेंगे। अगर आपके सामने तीन वैल्यू हैं, कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू और क्या दे रखा है एस्टिमेटेड लाइफ, तो आप डेप्रिसिएशन निकालते हुए क्या यूज करेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ, तो क्या निकल के आ जाएगा आपका एनुअल डेप्रिसिएशन, क्या निकलेगा, समझ में आई बात, इसे याद करना। लॉजिक क्लियर हो गया, लेकिन ना भी हो तो कोशिश करें से पहले याद करें। फिर आते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कि सर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हम लोग निकालते कैसे हैं, तो हमने एक परसेंटेज का यूज किया इस फॉर्मूले को यूज करके, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ असेट्स इनटू 100, तो इससे आ गया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये बात भी क्लियर हो गई। अब सवाल इसका यूज क्या है कि भाई हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लिया, यूज क्या है, यूज ये है कि आपने पिछले कई सारे ऐसे चैप्टर्स पढ़े होंगे जिसमें डेप्रिसिएशन आपने निकाला होगा, जर्नल एंट्री में भी डेप्रिसिएशन था, आपने 10% 5% वहां भी डेप्रिसिएशन निकाला होगा। तो क्वेश्चन जब आपके सामने होगा वो आपसे बोलेंगे दो चीजें कि आप एनुअल डेप्रिसिएशन निकालिए, अगर एनुअल डेप्रिसिएशन परसेंटेज दे रखा है और बोला गया एनुअल डेप्रिसिएशन निकालिए, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, अगर आपके सामने परसेंटेज गिवन है कि कितना परसेंट का डेप्रिसिएशन है और बोला जाए एनुअल डेप्रिसिएशन निकालिए, तो आप कैसे निकालेंगे बेटा, इस फॉर्मूले के साथ निकालेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन आप ऐसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इनटू 100 आ जाएगा जो भी निकालेंगे आप, तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन हो गया। दूसरा एनुअल डेप्रिसिएशन जब रेट ना दे रखा हो तो किसका यूज करेंगे आप, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई एस्टिमेटेड लाइफ। मैं वापस से आता हूँ यहाँ पे, देखिएगा समराइज करता हूँ इतनी सारी बातों को। सर हम ना एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे सर, और हमारे पास गिवन है कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाई क्या करेंगे बेटा एस्टिमेटेड लाइफ, बात समझ में आई, ये एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। सर कोई दूसरा तरीका भी है क्या एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का, हाँ बच्चे दूसरा भी है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई बाई
रेट ऑफ रेट अपॉन 100। एनुअल डेप्रिसिएशन ऐसे भी आएगा निकल के, समझ में आई बात भाई? 1600 रुपये ऐसे भी तो निकल के आ रहा था, 10000 माइनस का कितना बेटा, डिवाइडेड बाई कितना आया था आंसर। और अगर हमें पहले से क्या दे रखा हो, कॉस्ट कितना था, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 16%, कितना आएगा बेटा, ये भी आया वही। बात समझ में आई? तो क्वेश्चन में आपको हमेशा ये चीज नहीं होगा, ये तो बस एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें जरूरत, हमेशा क्या दे रखा होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्लियर है? तो दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों का ऑब्जेक्टिव है एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना। रेट भी दे रखा है तभी भी हम ऐसे निकालेंगे, कॉस्ट दे रखा है तब भी हम निकालेंगे। ये बात समझ में आई पहले? अब सवाल ये है मेरा कि ये तो समझ में आ गया, अब हम वापस आते हैं कि सर अगर मान लेते हैं ये वाली वैल्यू गिवन है, ये चीज़ें गिवन है, कॉस्ट दे रखा है, स्क्रैप भी दे रखा है, एस्टिमेटेड लाइफ गिवन है, उन्होंने बोला एनुअल बताइए, हमने एनुअल निकाल दिया। अब वो हमसे सवाल, दूसरा सवाल करते हैं कि आप ना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताइए, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन भी निकाल के दिखाइए। दिया हुआ नहीं है, इस बार क्या बोला जा रहा है, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन निकालिए। तो बेटा जब परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन आप निकालते हैं, जिसे कहते हैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो उसके लिए क्या करेंगे, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना था, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना, डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कितना है कॉस्ट ऑफ एसेट्स, 10000 इंटू 100, कितना परसेंट, कितना परसेंट, सॉरी 16%, कितना आ जाएगा 16%। समझ में आई बात? तो ये अभी हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ये समझ में आया फॉर्मूले, दो फॉर्मूले हमने पढ़े, पहला फॉर्मूला है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, सॉरी पहला है एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का, और दूसरा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का। पहले आप इतना नोट करिए फिर हम बात करते हैं, फटाफट नोट करिए। अब पूछो जिसको कोई सवाल पूछना। बोला जाए कि एनुअल डेप्रिसिएशन निकालिए और उस दौरान आपके सामने रेट नहीं दे रखा है, तब आप कोशिश करेंगे क्या ढूंढने की, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई एस्टिमेटेड लाइफ। ये स्क्रैप वैल्यू को रेसिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, जो क्वेश्चन में कई बार गिवन रहता है, नाम भी लिखा रहेगा। अच्छा जी, उसके बाद आपको अगर बोला जाए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालिए, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बोला जा रहा है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, अमाउंट यानी एनुअल डेप्रिसिएशन का, किसका, एनुअल डेप्रिसिएशन और डिवाइडेड बाई कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, स्क्रैप वैल्यू के बाद वाला नहीं, पर एसेट्स की कॉस्ट चाहिए मुझे, और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। याद हो गया ये? याद हुआ सर? हो गया। तो चलिए अब इसके ऊपर ना ऐसा करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पहले, तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और उसमें हम समझेंगे कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा। आप इधर देखोगे पहले, सर इधर ध्यान दो, इधर ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 1, दिख रहा है आपको,